संडे की सुबह कुछ हेल्दी हो जाए तो मैंने यहाँ पर ले ली है ढेर सारी सब्जियाँ। गाजर ले ली है, चुकंदर ले ली है, टमाटर भी ले लिए हैं, यहाँ पर मैंने आंवला भी लिया है और भी एक आध चीज़ें हैं जो आगे चल के बताती हूँ। तो सबसे पहले तो तैयारी कर लेते हैं और एक बार इन्हें हम धो लेंगे। कितना कलरफुल लग रहा है ना, रियांश को भी बहुत अच्छा लग रहा है, वो भी एक्साइटेड है कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ जूस। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लिब्रा का कोल्ड प्रेस स्लो जूसर। और ये देखिए इसके अटैचमेंट्स हैं सारे, इसे मैं फ़िक्स कर दूँगी इस तरीके से। बहुत ही ईजी टू हैंडल है, 3-4 अटैचमेंट है, बहुत ही ईजिली अटैच हो जाते हैं, नो हैसल। बस फिक्स कर दीजिए और लॉक कर दीजिए। जब तक लॉक नहीं करेंगे तब तक ये जूसर नहीं चलेगा, जिसे आप सेफ्टी लॉक फीचर भी कह सकते हो, द बेस्ट वन। चलिए अब ये हमारा जूसर बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम सारी ही सब्जियां डाल देंगे, साबुत सब्जियां भी डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए मैं गाजर भी नहीं तोड़ रही हूँ और बहुत ही ईजिली सारी ही सब्जियाँ क्रश हो जा रही हैं। ये जो जूसर है ना, ये 240 वॉट का जूसर है और इसका जो RPM अगर मैं आपको बताऊँ ना, ये 48 RPM पे चलता है। तो बहुत आराम आराम से चलता है, सब्जी आराम से क्रश होती है, जूस फुली निकल कर मिलता है हमें। और क्योंकि ये स्लो जूसर है ना, तो हीट नहीं होता है, और हीट नहीं होता है तो न्यूट्रिएंट्स भी लॉस नहीं होते हैं। और देखिए पल्प भी इस तरीके से निकल रहा है, पल्प में भी ना कुछ जूस नहीं है, पूरा ही जूस जूस सेक्शन से आ गया है और जो पल्प है वो पल्प साइड से एक्सट्रैक्ट हो रहा है। और यहाँ पर ना मुझे आंवला भी डालना है। आंवला का बस मैं बीज इसमें नहीं डालूँगी, तो आंवला को इस तरीके से कट करके डाल रही हूँ। और इसके साथ में इसमें मैं डाल रही हूँ अनार। अनार से ना एक बहुत अच्छी मिठास आ जाती है, तो जूस बहुत अच्छा लगता है, इवन बच्चे भी पी लेते हैं, रियांश को भी मैं पिला देती हूँ। और हाँ, इसमें आप ना थोड़ा सा टुकड़ा जिंजर का भी डालेंगे ना, तो एक हल्का सा वो टिंच आता है, तो बहुत अच्छा लगता है पीने में, तो ज़रूर आप ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर सारा ही जूस निकाल लिया है, कितना गाढ़ा जूस है और कितना यमी दिख रहा है। कलर देखिए कितना ज़्यादा ब्राइट एंड कॉन्सेंट्रेटेड है, बिल्कुल पतला पतला नहीं लग रहा है जूस, अच्छा खासा गाढ़ा जूस हमारा बनकर तैयार हो गया है। इस जूसर के सारे ही पार्ट्स BPA फ्री है, तो बिना सेकंड थॉट के इसे हम डेली यूज कर सकते हैं। जूस हमारा रेडी हो गया है, बस देरी है इसे फ्रेशली रैप करने की। पर लगे हाथ मैंने सोचा चलो जल्दी से ना जूसर के सारे ही पार्ट्स क्लीन कर देते हैं। तुरंत अगर क्लीन करो ना तो बिल्कुल 2 मिनट का टाइम लगेगा और सारे ही पार्ट्स जल्दी से क्लीन हो जाएंगे। अगर आप सोचो कि रख दो यार आधा एक घंटे बाद फिर साफ़ करेंगे, तो आपको थोड़ी मेहनत आएगी क्योंकि सूख जाएगा ना सारी चीज़ें। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ तुरंत ही तुरंत सारी चीज़ें धुल लूँ। और ये लीजिए 2 मिनट में जूसर भी साफ़ हो गया, साफ़ करने का भी कोई झंझट नहीं है। अब बस हम अपना जूस इंजॉय करेंगे। वीकेंड में आप किस तरीके के शॉर्ट्स लगाना पसंद करते हैं? हम थोड़े से हेल्दी शॉर्ट्स लगाएंगे, यमी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है और मिठास भी बहुत अच्छी आई है। मैंने टमाटर डाला ना, उसके कारण एक खटास आती है, तो मुझे अच्छा लगा। हमने तो बहुत इन्जॉय किया आपने जूस। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इन्जॉय।